कहते हैं एक महिला उस समय और भी खूबसूरत हो जाती है जब वो अपने अंदर किसी दूसरी जान को पालती है। किसी भी औरत के लिए प्रेगनेंसी का फेस सबसे अनूठा और अनोखा होता है। आज हम अचानक प्रेगनेंसी की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अनुष्का शर्मा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक फोटो शेयर की है जिसमें वो शीर्षासन करती नजर आ रही हैं। अब जिन लोगों को नहीं पता वो जान ले कि अनुष्का जल्द ही माँ बनने वाली हैं। अपने बेबी बम के साथ ही अनुष्का इस आसन को करती दिख रही हैं। इस फोटो में अनुष्का के साथ विराट कोहली भी दिखाई दे रहे हैं जो इस आसन में उनकी मदद कर रहे हैं। फोटो को शेयर करते हुए अनुष्का ने लिखा है, ये हैंड्स डाउन और लेग्स अप एक्सरसाइज है। योग मेरी जिंदगी का बड़ा हिस्सा है। मेरे डॉक्टर ने मुझसे कहा कि मैं ऐसे सभी आसन करती रह सकती हूँ जिनमें बहुत ज़्यादा ट्विस्ट करना या बहुत ज़्यादा आगे झुकना नहीं है, लेकिन जाहिर तौर पर सटीक और ज़रूरी सपोर्ट के साथ। शीर्षासन के लिए जो कि मैं कई सालों से कर रही हूँ, मैंने इस बात को सुनिश्चित किया है कि मैं दीवार को सहारे की तरह इस्तेमाल करूँ और मेरे पति मेरा संतुलन बनाने में मदद करें ताकि मुझे अतिरिक्त सुरक्षा मिले। अनुष्का ने आगे लिखा, ये मैंने अपने योग गुरु के संरक्षण में किया जो कि सेशन के दौरान पूरे वक्त मेरे साथ थी। मुझे बहुत खुशी है कि मैंने प्रेगनेंसी के दौरान भी अपनी प्रैक्टिस जारी रखी है। सिर्फ शीर्षासन ही नहीं, ऐसे कई और आसन हैं जिन्हें महिलाएं अपनी प्रेगनेंसी के दौरान कर सकती हैं। आज हम आपको ऐसे ही योगासन बताएंगे जिन्हें करने से न सिर्फ प्रेग्नेंट वुमन का दिमाग शांत होता है बल्कि उन्हें डिलीवरी के वक्त भी कई सारे फायदे होते हैं। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो इन आसनों को आप अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकती हैं। पहले जान लेते हैं प्रसव पूर्व आसन क्या होते हैं। प्रेगनेंसी का समय किसी भी महिला के लिए सबसे खास होता है। इस टाइम पीरियड में वो खुशी, उम्मीद और उत्सुकता महसूस करती है। कईयों के मूड स्विंग्स भी होते हैं। सिर्फ फिजिकली ही नहीं बल्कि मेंटली और इमोशनली भी औरतों के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं। इन इमोशंस का असर बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास पर भी पड़ता है। महिलाओं की इन्हीं चेंजेस को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर्स और योग एक्सपर्ट्स डिलीवरी के पहले महिलाओं को योग करने की सलाह देते हैं। गर्भावस्था के दौरान किया जाने वाला योग प्रसव पूर्व योग यानी पेरेंटल योग भी कहलाता है। सबसे पहले बात शीर्षासन की। अनुष्का शर्मा की इस वायरल फोटो में वो शीर्षासन कर रही हैं। इस योग में सिर नीचे और पैर ऊपर उठता है, मगर ध्यान में रखने वाली बात है कि ये योगा हर प्रेग्नेंट वुमेन नहीं कर सकती है। मिसाकी क्लासेस फॉर फिटनेस एंड डांस की फाउंडर और योगा इंस्ट्रक्टर काजल गुप्ता बताती हैं, शीर्षासन वो आसन है जिसमें आपके शरीर में खून का दौरा पूरी तरह से उल्टा हो जाता है। ये बहुत अच्छा योग तो है, मगर अलग अलग महिलाओं के केस में अलग अलग तरीके से काम करता है। जो महिलाएं हेल्दी हैं और अपनी प्रेगनेंसी में लगातार योग कर रही हैं वो शीर्षासन कर सकती हैं, लेकिन अगर किसी महिला की प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस हैं तो हम ये योग करने की सलाह नहीं देते, क्योंकि इस योग में आपकी पूरी बॉडी उल्टी हो जाती है। ऐसे में कई बार पेट के अंदर बच्चे पर भी इसका असर पड़ता है, वो उल्टा भी हो सकता है। इसलिए इस आसन को करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। बद्धकोण आसन यानी तितली आसन कैसे करें? इस आसन को करने के लिए दोनों पैरों को सामने की तरफ मोड़कर एक दूसरे से मिला लीजिए। दोनों पैरों को नमस्ते की मुद्रा में बना लीजिए। दोनों हाथों की उंगलियों को क्रॉस करते हुए पैर के पंजे को पकड़ लीजिए। अब पैरों को ऊपर नीचे कीजिए। फायदे, ये आसन गर्भावस्था के तीसरे महीने से किया जा सकता है। इससे बॉडी में लचीलापन आता है जो आपकी डिलीवरी के टाइम में मदद देता है। साथ ही इस आसन से आपके थाइज यानी जांघों को भी मजबूती मिलती है। ध्यान रखने वाली बात, अगर आपको ऐसा करते हुए बैक यानी कमर में या बॉडी के निचले हिस्से में दर्द महसूस होता है तो इसे बिल्कुल ना करें। ताड़ासन कैसे करें? सबसे पहले सीधे खड़े हो जाएं। इसके बाद दोनों हाथों को कान के पास से ऊपर ले जाते हुए धीरे धीरे एड़ियों को उठाएं। खुद को ऊपर उठाने की कोशिश करें। इस आसन को आप 3 से 4 मिनट तक कर सकते हैं। सांसों को बाहर की ओर छोड़ें, फिर धीरे धीरे हाथों को नीचे लाते हुए एड़ियों को जमीन पर रख लें। फायदे, काजल बताती हैं जिन महिलाओं को प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा भूख लगती है उनके लिए आसन कारगर साबित होता है। साथ ही ताड़ासन आपकी बॉडी का बैलेंस भी बनाता है, साथ ही आपके लिए स्ट्रेस बस्टर की तरह भी काम करता है। इससे हाथों और पैरों की नसों में खिंचाव आता है। ध्यान रखने वाली बात, अगर इस आसन में आपको पेट पर या बैक पर बहुत ज्यादा पेन आ रहा है तो इसे बिल्कुल मत कीजिए। त्रिकोण आसन कैसे करें? इस आसन को करने के लिए अपने दोनों पैरों के बीच 24 इंच की दूरी बनाएं। आप चाहें तो किसी दीवार के पास खड़ी होकर यह आसन कर सकती हैं। इसके बाद सांस लेते हुए अपने दाएं हाथ को सीधे ऊपर की ओर उठाते हुए बाईं ओर झुकाने का प्रयास करें। इसके बाद सांस छोड़ते हुए सामान्य अवस्था में वापस आ जाएं। फायदे,
त्रिकोणासन को करने से टखने, जांघें और घुटने मजबूत हो जाते हैं। इसे आप 30 सेकंड तक कर सकती हैं। कंधे, घुटने, हिप्स, पिंडलियों, हैमस्ट्रिंग, थॉरेक्स और पसलियों पर खिंचाव पड़ता है। यह आसन स्ट्रेस को कम करता है और एंजाइटी को ठीक करता है। ध्यान रखने वाली बात, इस आसन को करते समय ख्याल रखें कि आपकी कमर पूरी सीधी रहे। शरीर मोड़ने के दौरान हिप्स को साथ में ना मोड़ें। अगर आप बैलेंस नहीं बना पा रही तो दीवार का सहारा लेकर ये पोज करें। मार्जरी आसन कैसे करें? इस आसन को करने के लिए आप सबसे पहले व्रजासन में आएं। इसके बाद टेबल पोज में आएं। आपके पैरों में कंधों जितना गैप रहेगा, आपकी कोहनियाँ सीधी रहेंगी। फिर सांस लेते हुए सिर को ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर उठाएं। थोड़ी देर रुकें, फिर सांस को छोड़ते हुए नीचे देखें और अपनी नाभि को देखने की कोशिश करें। फायदे, ये पोज आपकी बैक यानी कमर को मजबूत बनाता है, साथ ही आपके स्ट्रेस को कम करता है। अगर आपको पीठ दर्द है तो उसे दूर करने के लिए भी आप ये आसन कर सकती हैं। ध्यान रखें, अगर आपको घुटनों, पीठ या गर्दन में कोई दर्द हो तो इसे ना करें या डॉक्टर की सलाह के बाद ही पोज करें। इसके अलावा अगर आपको सर्वाइकल की समस्या है तो भी ये आसन ना करें। चेयर पोज कैसे करें? सबसे पहले सीधे खड़े हो जाएं। इसके बाद धीरे धीरे कुर्सी पर बैठने के तरीके में अपने घुटनों को मोड़ने की कोशिश करें। इस मुद्रा में अपने दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में सीधा उठाकर ऊपर की ओर ले जाएं। कोशिश करें आप उन दोनों हाथों की ओर देखें। कुछ सेकंड्स ऐसे रहने के बाद वापस से सामान्य अवस्था में लौट आएं। फायदे, काजल कहती हैं इस आसन को करने से शरीर में खून का स्राव सुचारू रूप से होता है। इस आसन से रीढ़ की हड्डियां भी मजबूत होती हैं, जिससे गर्भावस्था के समय पीठ दर्द या कमर दर्द से बचा जा सकता है। ध्यान रखें, अगर आपके बैक में पेन हो रहा है तो ये आसन ना करें। इससे आपके शरीर पर और होने वाले बच्चे पर भी असर पड़ता है। अनुलोम विलोम कैसे करें? किसी साफ और स्वच्छ जगह पर आलती पालती मारकर बैठ जाइए। इसके बाद दाएं अंगूठे से अपनी दाहिनी नाक को पकड़ें और बाईं नाक से सांस अंदर ले लीजिए। अब अनामिका उंगली से बाईं नाक को बंद कर दें। इसके बाद दाहिनी नाक को खोलें और सांस बाहर छोड़ दें। अब दाहिनी से ही सांस अंदर लें और उसी प्रक्रिया को दोहराते हुए बाईं नाक से सांस बाहर छोड़ दें। फायदे, ये आपके स्ट्रेस और एंग्जाइटी को कम करता है। आपके फेफड़े मजबूत होते हैं और बॉडी में ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में पहुंचती है। बदलते मौसम में शरीर जल्दी बीमार नहीं होता। कतई ना करें ये आसन। गर्भावस्था के दौरान कुछ आसन ऐसे भी हैं जिन्हें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये ज़्यादातर वो आसन हैं जिससे आपके पेट पर प्रेशर पड़ता है। काजल गुप्ता ने बताया कि प्रेगनेंसी के दौरान नौकासन, अर्धचंद्राकार आसन, भुजंगासन, शलवासन, हलासन जैसे व्यायाम नहीं करने चाहिए। इन सभी योग पोज में आपको पेट की तरफ लेटना पड़ता है, जिससे आपका पेट दबता है। इसलिए गर्भावस्था के दौरान इन्हें ना करने की सलाह दी जाती है। प्रेगनेंसी में योगा करते समय ध्यान रखें ये बातें। कुछ आसन ऐसे भी हैं जिन्हें प्रेगनेंसी की तीनों तिमाही में नहीं किया जा सकता, तो किसी भी आसन को करने से पहले अपने ट्रेनर या डॉक्टर की सलाह जरूर लें। उदाहरण के लिए कोणासन, इसे प्रेगनेंसी के सातवें महीने के बाद नहीं करना चाहिए। अगर किसी पोज को करने के बाद आपको असहज महसूस हो रहा है तो उसे वहीं रोक दें। बहुत ज़्यादा आगे झुकने वाला आसन या पोज ना करें, जिसकी वजह से पेट पर किसी भी तरह का एक्स्ट्रा प्रेशर महसूस हो। अगर योग का कोई भी आसन करते वक्त सिर दर्द, चेस्ट पेन या चक्कर जैसा महसूस होने लगे तो योग करना तुरंत रोक दें। प्रेगनेंसी में योग शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। जिस तरह हमने पहले भी बताया, हर महिला की बॉडी और उसकी प्रेगनेंसी अलग अलग तरह की होती है, इसलिए जिस समय आपको असहज महसूस होने लगे तुरंत रुक जाएं और डॉक्टर की सलाह लें। आपके लिए खबर लिखी हमारी साथी मेघना ने। मेरा नाम है दिव्यांशी, देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही लें। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा।